दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम फेसबुक से अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने फेसबुक आईडी से अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और ध्यान से देखिए ताकि आप अच्छे से अपना मोबाइल नंबर चेंज कर पाएँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले चलना होगा हमें अपने फेसबुक में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने फेसबुक में। फेसबुक को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो होगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, ये देख सकते हैं थ्री लाइन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर हम ओके करेंगे, ठीक है। इस पर थ्री लाइन पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला देख सकते हैं, सेटिंग एंड प्राइवेसी का, इस पर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन पर ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, देख सकते हैं लिखा हुआ है पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो इस पर हम ओके करेंगे, ठीक है। इस पर ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरह से हमारा ये देख सकते हैं कॉन्टैक्ट इन्फो का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर इस पर हम ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर शो होने लगेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि अपना नंबर हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा नंबर मोबाइल नंबर शो हो रहा है, तो अब मैं आपको चेंज करना बता देता हूँ, ठीक है। चेंज करने के लिए हमें एक नए नंबर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ऐड फ़ोन नंबर पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों इस तरह से ये देख सकते हैं थोड़ा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, नया मोबाइल नंबर डाल देंगे जो भी हमें यहाँ पर डालना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ अपना नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। डालने के बाद इसको हम कंटिन्यू पर ओके कर देंगे। कंटिन्यू पर करने के बाद दोस्तों ये देख सकते हैं इस तरह से ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड इस तरह से हो जाएगा और हमें एक OTP आएगा हमारे मोबाइल नंबर पे, उसको हम कोड कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। तो नेट थोड़ा स्लो चल रहा है तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये कंफर्म हो रहा है, ठीक है। OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो जाता है अगर हमारा मोबाइल नंबर हमारे फ़ोन में है। तो ये देख सकते हैं हमारा, ये देख सकते हैं क्लोज पर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा नंबर ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर अब दो नंबर शो हो रहे हैं। तो अब हमें रिमूव करने के लिए करना क्या होगा, जो नंबर भी हमें रिमूव करना है उस पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस तरह से ये देख सकते हैं इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर आपके नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा रिमूव का, ये देख सकते हैं रिमूव लिखा हुआ है, इस पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर ये देख सकते हैं ब्रैकेट जैसा कुछ बनना है, तो इस पर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस पर टिक लगाकर हम यहाँ देख सकते हैं रिमूव नंबर पर ओके करेंगे। रिमूव नंबर पर ओके करने के बाद ये हमसे बोलेगा कि यहाँ पर अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड डालिए। तो जो भी आपकी फेसबुक आईडी का पासवर्ड है यहाँ पर वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ अपना पासवर्ड डाल दिया। डालने के बाद ये देख सकते हैं रिमूव फ़ोन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। रिमूव फ़ोन पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब क्या होगा, ये देख सकते हैं इस तरह से ये मैंने इस पर ओके कर दिया है। तो थोड़ा हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों मेरा नंबर यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो देख सकते हैं इसको मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाला नंबर जा चुका है और अब वाला नंबर आ चुका है, ठीक है। तो जो मैंने नया नंबर डाला है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है और पुराना नंबर यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितनी आसानी से आप फेसबुक से अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी आसान ट्रिक मैंने आपको बताई है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।